आवाज तो सुना ना सुन समझे क्या? ताकि मैं संजय दत्त बोल रहा हूँ। संजय सर सर क्या बोले सर? तूने मेरी टीम को बोला कि तेरा गाना प्रमोट करो, प्रमोशन बंद कर, और मेरे को बोल तूने मेरे लिए आज तक क्या किया है कि मैं तेरे लिए गाना प्रमोट करूं? संजू सर हाँ, जब आपका बैड टाइम चल रहा था ना, मतलब उधर आप थे ना, हाँ यरवाड़ा, हाँ तो मैं कितनी बार टिफिन बना के लेकर आई थी आपको अंदर देने के लिए, मटन चिकन फ्राई करके आई थी सर। वहाँ पे है ना दो चार और कैदी थे जो तेरे आशिक थे, जिनसे तू मिलने आती थी, मेरा नाम मत ले। सर नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा ही है। मैं आप ही को मिलने आ रही थी सर, कसम से आपका वो टाइम्स ऑफ इंडिया का आप देख लो आर्टिकल, मैंने ये भी बोला था कि संजय सर को बाहर निकालो, उनकी आधी सजा मेरे को दे दो करके। अच्छा सर मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मैं आपके साथ बिग बॉस में आपका भाई के साथ परफॉर्म किया सर, मैं कितनी इज्जत करती हूँ आपकी, रिस्पेक्ट करती हूँ। एक बात बोल, ये आजकल तू कैफे कॉफी डे जाती है, ये ऐसे कैसे कि तू जब जाती है तभी कैमरामैन पेपराजी भी उधर पहुंच जाता है? क्या सेटिंग है तुम लोगों का? नहीं कोई सेटिंग नहीं, मुझे कॉफी का बहुत शौक है, मैं जब कॉफी पीने जाती हूँ तो ये लोग वहाँ पहुंच जाते हैं, मैं क्या करूँ? मेरे को मालूम है ये तुम लोग है ना वहाँ पे कॉफी का तो सब बहाना है, बाजू में चाय की टपरी पे बैठ के सब डिस्कस करते हो, आज ये डालना कल वो डालना, बराबर? नहीं 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 नहीं, वो मीडिया वाले, मैं जहाँ जाती हूँ मीडिया वाले आ जाते हैं भाई। वो तेरे दो तीन तेरे दोस्त लोग ही है, आगे तेरा फोटो वोटो निकालते हैं और तुम लोग चाय की टपरी पे सब बातें करते हो, तेरा उधारी भी चालू है। पेमेंट दे देती हूँ। हाँ आपको कैसे मालूम इतना, इसमें अंदर की खबर भाई? अरे मेरे को सब मालूम है। अभी एक काम कर तू ना, कॉफी डे के बाजू में एक वाइन शॉप है, वहां से मेरे लिए एक मस्त शिवा श्रीगल ले और मेरे बिल्डिंग में वॉचमैन को छोड़ के जाना, ऊपर मत आना, वॉचमैन को छोड़ के जाना वाइन शॉप से। हाँ रीगल, हाँ रीगल रीगल कितने का है? कम से कम 30,000 की दारू है वो, तभी मैं तेरा गाना प्रमोट करूंगा। 30,000? देखा यार इतना भी नहीं कर सकती ना मेरे लिए। मैं करती हूँ, मैं वॉचमैन को देकर जाऊंगी। हाँ वॉचमैन तेरा, अच्छा गाना बाना छोड़, मैं क्या बोलता हूँ, तू एक पिक्चर में काम क्यों नहीं करती? पिक्चर में राजू हिरानी को जानती है क्या? राजू हिरानी? अरे मुन्ना भाई पिक्चर बनाई थी ना, मुन्ना भाई वही ना? हाँ जानती हूँ, इतना बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर। हाँ राजू हिरानी ना, अभी जैसे संजू पिक्चर आया ना वैसे पिक्चर बना रहा है रणबू और रणबीर कपूर के, रणबीर कपूर के ऊपर। रणबीर कपूर की जितनी गर्लफ्रेंड थी ना वो उस पिक्चर में दिखाएंगे। तो मैं आलिया का रोल कर रही हूँ ना उसमें? ए पागल है क्या, आलिया का रोल खुद आलिया करेगी, तेरे को ना मैं एक तो मैं कैसा रोल कर रही हूं? मैं देख देख देख, रणबीर जब भी एकदम 19-20 साल का एकदम कौला माल था ना, तो उसका एक आंटी के साथ अफेयर था, तो वो आंटी का रोल मैं तेरे को देना चाहता हूँ, क्या बोलती है? मैं तो इतनी हॉट आग बबूला और हैपनिंग हूँ, अरे वो आंटी का रोल क्यों दे रहे हो? अरे वो आंटी भी मेरे को हॉट हैपनिंग से आंटी बना दिया, बर्फ बना दिया, पिज्जा आग बना दिया भाई। तो सुनती नहीं है यार, आंटी जो थी ना वो भी एकदम हॉट थी, आग बबूला, तो तू वो रोल कर। गाना बना है क्या मेरा रणवीर के साथ? बेड सीन्स है, सारे बेड सीन्स, बेड सीन्स, बेड सीन्स। हाँ देवा, मैंने तो रणवीर के साथ पहले फिल्म फेयर किया था, अभी शाहरुख अभी अफेयर कर, अभी तू अभी उसके साथ अफेयर कर। भगवान मेरी बात सुन, तेरा डायलॉग है तेरे को बोलना है रणबू, मेरे को तहस नहस कर डालो, बोल रणबू मेरे को तहस नहस कर डालो। अभी जैसे तू ये डायलॉग बोलती है ना वो उधर तुम्हारे बेडरूम में आ जाता है करण जौहर, जिसका रोल प्ले करेगा दीपक कलाल। ये फिल्म में दीपक कलाल का क्या काम है? करण जौहर का रोल वही कर रहा है, तो जैसे दीपक कलाल अंदर आता है ना वो तेरे को देखता अरे है। अरे दीपक कलाल को क्यों डाल रहे हो बीच में? अरे अभी पिक्चर ऐसा ही है यार, देख जैसे वो अंदर आता है ना करण जौहर, तो तेरे को देख के ना वो ऐसा तेरे पीछे आकर्षित हो जाता है,
तो अभी तू रणबीर के पीछे और तेरे पीछे दीपक कलाल, कैसी रही स्क्रिप्ट? डायलॉग क्या बोलना है पहले बताओ। डायलॉग बोल, रणबू मुझे तहस नहस कर डालो। रणबूर। अरे रणबीर बोल यार, रणबीर बोल। रणबीर मुझे तहस नहस कर डालो। हाँ, रणबीर को लेके फिल्म भी बना रहे, जैसे रणबीर ने संजय दत्त पे फिल्म बनाई ना, वैसे राजकुमार हिरानी। आवाज तो तुमने सुना ना, ये कौन था? रोहित गुप्ता मैम। रोहित गुप्ता, तुझा डोको भरून टाकेल मी। हे गे, आपका कैसा था मतलब एक्सपीरियंस? वो भी ट्विटर पे डालने वाले हैं। डालने वाले क्या? प्रमोट कर रहे हैं? हाँ, करने वाले। वाओ, ये तो अच्छी बात है ना। मैंने तो बिग बॉस उनके साथ किया था, मैं तो सब बड़े स्टार्स के साथ। अरे राखी छोड़ना। ये तुमने क्या? अरे यार राखी जाने देना है, अभी गाना हो गया। सॉरी करेंगे नहीं, प्योर करेंगे।